स्कॉर्पियो को फिर से स्पॉट किया गया है। ये स्पॉट किया गया है चंडीगढ़ के अंदर ट्रिबिन चौक के ऊपर, और जिन्होंने इस गाड़ी को स्पॉट किया है उनका इंस्टाग्राम आईडी ये है और उनका आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर खास बात क्या है, क्यों बनाई मैंने वीडियो? देखिए, सबसे पहली बात, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था मैंने कि रियर व्हील ड्राइव नहीं दिखाई दे रही है गाड़ी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है गाड़ी को लो प्रोफाइल बनाया गया हो, मतलब उसके जो बंपर है, जो साइड स्कर्ट है, उसको थोड़ा नीचे रखा गया हो ताकि जो रियर व्हील ड्राइव का जो हब होता है यानी डिफरेंशियल होता है जो, वो दिखाई नहीं दे रहा हो। लेकिन इस गाड़ी के अंदर रियर बम्पर नहीं है, साइड स्कर्ट्स नहीं है, लेकिन आराम से हमको दिखाई दे रहा है जो रियर डिफरेंशियल है। अब इस गाड़ी में एक बात और खास है कि इसका जो पीछे वाला टायर का जो गैप है, यानी कि बॉडी और जो टायर का गैप है यानी जो व्हील वेल है, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पिछली वीडियो में जो गाड़ी दिखाई गई थी, जो पूरी तरह कम्प्लीट गाड़ी थी, उससे कंपेयर करें तो ये वाली गाड़ी के अंदर ज़्यादा है। तो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी एक बेस वेरिएंट निकालने वाली हो जो 4x4 हो, और एक ऐसा वेरिएंट निकाले जो फीचर्स के साथ लोडेड हो लेकिन 4x2 हो। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉस्ट को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। जैसे टाटा सफारी ने किया है, कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने फ्रंट व्हील ड्राइव बनाई है, टाटा हैरियर को फ्रंट व्हील ड्राइव बनाई है, जीप कंपस फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो हो सकता है कंपनी एक ऐसा वेरिएंट निकाले कि 4x4 कैपेबल गाड़ी हो, स्टील व्हील के साथ हो, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर ही 4x4 आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब गाड़ी के अंदर जो स्टील रिम के साथ जो टायर है वो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा टायर है। साथ ही साथ हमें स्टेबलाइजर बार देखने को मिल रहा है ताकि बॉडी रोल को अच्छा खासा कंटेन किया जा सके। और कई कई जगहों पे तो हमने जैसे महिंद्रा थार के अंदर मल्टी लिंक सस्पेंशन देखने को मिले थे, वैसे ही सस्पेंशन हमें इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो जैसे सस्पेंशन नहीं होने वाले, इसके एक अच्छे खासे मल्टी लिंक सस्पेंशन के साथ आने वाली, यानी कि रियर में जो लोग बैठे हैं उनको एक कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। और पॉसिबिलिटी है कि अगर 4x4 गाड़ी आती है तो उसके अंदर मल्टी लिंक सस्पेंशन काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, आपने महिंद्रा थार के अंदर देख लिया है। अब इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है, अगर एक ऐसा वेरिएंट हो 4x2 बेस वेरिएंट और एक 4x4 वेरिएंट हो बेस वेरिएंट, तो काफी अच्छा एग्रेसिव प्राइसिंग रखा जा सकता है। अब वो गाड़ी अगर 4x2 बेस वेरिएंट के साथ आ जाती है तो सबसे पहले वो टक्कर देगी फोर्स गुरखा को और उसके बाद टाटा हैरियर को, अगर बेस वेरिएंट के अंदर 4x4 आता है तो, कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। और अगर बाकी अगर हायर वेरिएंट के अंदर 4x4 आता है तो फिर तो कंपटीशन में काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।